क्या वजन था दीदी? 40। 40 मीठा है? मीठा और का दिन चलेगा, अच्छा होगा। लीजिएगा ये वाला, लीजिएगा। कौन सा अच्छा है? सब अच्छा है, ये वाला लीजिए। बहुत देर से आपको देखे बैठे में, कुछ बिक नहीं रहा है आपका सामान, थोड़ा में यही रखे में है। बाल बच्चे क्या करते हैं? हाँ दादी, तो फिर क्यों करती हैं? क्या करिए, खाने पीने के लिए। क्या हुआ दादी, क्या चीज का तकलीफ है? खाने पीने की तकलीफ है। राशन उशन का तकलीफ है? राशन से देता है तो राशन बढ़िया चावल ना देता है, मोटी मोटी देता है। अरे देखिए, दोनों भात खाए ना, निम्न होता खाने में मन लगता है, मोटा मोटा चावल ज्यादा बिगेगा तो खाने में। इतना आपको डॉक्टर मना किया है तो इतना मेहनत हम, हमको नहीं है, बेटा कमाने वाला नहीं है। नहीं है, ऑपरेशन हुआ ना, डॉक्टर मना कर। आपकी उम्र कितनी हो गई है? हमारा उम्र 70 वर्ष से कम नहीं होगा। 70 साल की उम्र में भी आप बैठे भी हैं। क्या करिए, तो मजबूरी से करेला पड़ा। बेटा अभी बेटे को भी तकलीफ है? नहीं, हाँ बेटा को तकलीफ है, कहता ना कि अभी काम नहीं कीजिए। अच्छा, ऑपरेशन हुआ ना तो काम नहीं कीजिए अभी। ऊपर वाला हमारा 70 दिन का दिए ना बउआ, अभी हम चलते फिरते आप ही लोग हमारा उठा के लेके जाइए, काम लेके जाइए, बोलिए। इतना उम्र में भी मान गए, बता दीजिए आप, तकलीफ में आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। बेटे एक ही हैं आपके? एक बेटा। और जिनको तकलीफ है? हाँ हाँ, बहुत तकलीफ है, ताकत नहीं मिलता चलने की। और उनका भी भरण पोषण आप ही कर रहे हैं? क्या करिए, तो ससुराल के थोड़ा चारू भेज देवा है। बताइए दादी जी, आप इतनी तकलीफ में अपने बेटे को भी संभाल रही, कितने उम्र होंगे आपके बेटे के? 40। 40 साल का उम्र है ना, ताकत ना मिले कोई काम करे, क्या करी बोलो ना। बहुत है, आपके आंखों में आंसू भी आ रही है। और कौन है आपके हस्बैंड है? नहीं, बस अकेले हैं। अब बेटे की शादी हो गई है? बेटे की शादी से ससुराल थोड़ा सहारा बरत करो, ऑपरेशन में दबा दे। हम तो दादी जी आपको सलाम करते हैं, पाँव छूते हैं आपका। इतना उम्र में अभी आपको देखे हैं, 72 साल की उम्र में आप अपने बेटे के लिए मेहनत कर रही हैं। सलाम गंगा मैया, सबसे बड़ा बाबू। कितने पैसे हुए? हमारे खुशी है, हमको आशीर्वाद दीजिए कि आप लोग मेहनत करें। आपके जब आपके बारे में समझे, इतनी तकलीफ में भी आप मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रही हूँ, भगवान ने और वाला हमरा देखने वाला है, और वाला सच्चा के बाप है। आपको जानती हैं दादी जी, हम आपको आधी घंटा से देख रहे थे, आपके ऐसे ही बैठी भी हैं, आप हम लोग को देख भी रही होंगी, इधर उधर हम लोग घूम रहे थे। हाँ, हम रोज बेचारे बाबू, रोज अपने बेटे के लिए मेहनत करती हैं आप। ये हम आपको दिए हैं राशन के लिए, और ये 500 रुपीज हम आपको और दे रहे हैं आपकी मेहनत के लिए, ये लीजिए। ये हमारी आपके इतने उम्र में जो मेहनत कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, मन खुश हो गया आपके देख के, इतना मेहनत देख। बड़ी मजबूरी है। आपकी आंखों में आंसू भी आ रही है। आप कहीं भी मिलेंगे हम लोग आते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेंगे, राशन आपके लिए राशन की भी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है? 20 रुपया मिलता ना, 400 रुपये में तो सब कितने पैसा ले लिया। आप आराम से बेचिएगा, आप घर जाकर आराम कीजिएगा, और हमारी टीम आएगी ना, आपको राशन भी दे देंगे अगले बार, ठीक है? बस आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही आप लोग की मदद करें। आशीर्वाद, खूब अच्छा मेरा वो ग्राहक, धन भरल रहे।
और दादी आपके बेटे के बारे में सुन के काफी बुरा लगा, और चलिए होता है, और भगवान की दुआ से हमारे को भी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग भी आप जैसे आप आराम से घर से मेरे राशन लेके जाइएगा और फिर हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है? ये ले जाते हैं आपके लिए, ठीक है? चलो दादी जी। दोस्तों आज हमारी टीम दादी जी की छोटी सी हेल्प की। हमने जब दादी जी को काफी देर से देखा, एकदम शांत बैठी हुई थी, एकदम उदास, तो हमने जब दादी जी के पास गए तो दादी जी ने कभी काफी भावुक होते हुए हमारे को बताया कि हमारे एक बेटे हैं जिनके पीठ की हड्डी थोड़ी सी तकलीफ है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो हमारी टीम ने एक छोटी सी कोशिश की दादी जी को हेल्प करने की। हमने एक ये उनसे खरीदा सामान, दादी जी के 25 रुपये की सामान थी, पहले हमने उन्हें 500 रुपये दी कि दादी जी आपके ये मेहनत के लिए, और 500 रुपये दिए। दादी जी ने कहा कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ में है, तो उनके राशन के लिए हमने 500 रुपये बाद में और दिए। दोस्तों कहीं भी मिले आप लोग भी ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी हेल्प करते रहिए, काफ़ी दिल को अच्छा लगेगा आप लोग को भी। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी नेक काम के संग। मैं सौरभ कुमार, टीम बीवेब से, जय हिंद।